अरहर की दाल या तुअर की दाल हमारे खान पान का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। लगभग रोज हमारे घरों में बनती है। ये बहुत हेल्दी दाल है और इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन कई बार इस दाल को खाने से अपच, बदहजमी जैसी चीज़ें हो जाती हैं। पहले के ज़माने में अरहर की दाल को खुले बर्तन में बनाया जाता था, लेकिन आजकल भागदौड़ की ज़िंदगी में हम प्रेशर कुकिंग करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अलग तरीका लेकर आई हूँ दाल बनाने के लिए, जिसमें हम कुकर में ही दाल बनाएंगे, लेकिन खुले बर्तन में जो दाल बनती है उसके फायदे भी हमें ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फ्लेवर्स फ्रॉम बनारस में। आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करिएगा। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरहर की दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप अरहर की दाल लिया है और इसको तुअर दाल भी कहते हैं, और ये पॉलिश वाली दाल है, अगर आपको अनपॉलिश दाल मिले तो वो और भी अच्छा है। दाल को हमें 5 से 6 बार अच्छी तरीके से मलकर धो लेना है और इसके बाद इसको कम से कम 20 मिनट के लिए भिगो कर रख देना है। तो मैंने पहले से ही दाल को अच्छी तरीके से वॉश करके और भिगो कर रख दिया था और ये दाल बहुत ही अच्छी तरीके से फूल गई है। अब हम इसको बॉयल करेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कुकर लिया है और अब हम इसमें धुली हुई दाल डाल देंगे। इसमें अब हम पानी डालेंगे, तो लगभग 2 कप पानी मैंने इसमें मिलाया है। आप दाल की कंसिस्टेंसी जैसी पसंद करते हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम तेज आंच पर दाल को गैस पर रख देंगे और ढक देंगे। दाल में उबाल आने लगा है और अब हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कुकर के किनारों पर झाग इकट्ठा हो गया है और हमें इस झाग को हटाना है। अब हम एक चम्मच लेंगे और चम्मच की सहायता से इस झाग को दाल से बाहर निकाल लेते हैं। पहले के ज़माने में जब खुले बर्तन में दाल बनाया जाता था तो इसी तरीके से दाल को पहले उबाल लेते थे, जो झाग इकट्ठा होती थी बर्तन के ऊपर में उसको किनारे कर देते थे, इसके बाद इसमें हल्दी और नमक मिलाया जाता था। आज भी जब कभी खुले बर्तन में दाल बनाई जाती है तो इसी तरीके से पहले झाग को अलग कर लिया जाता है, इसके बाद इसमें हल्दी और नमक मिलाया जाता है। झाग अलग हो चुका है और अब मैंने इसमें डाला है 2 कलियाँ लहसुन की और साथ ही इसमें 1 मीडियम साइज़ का टमाटर छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। अगर आपको टमाटर इस स्टेज पे डालना पसंद ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक, तो यहाँ स्वाद के अनुसार नमक मिला देते हैं और अब हम इसमें मिलाएंगे हल्दी, तो 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी मिला देंगे। और अब हम कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और इसको मीडियम आंच पर 3 सीटी आने तक पका लेते हैं। जब 3 सीटियां आ जाएं तो इसके बाद इसका प्रेशर कुकर से रिलीज होने देंगे और अब आप ये देख सकते हैं कि ये दाल अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब हम एक कलछी लेंगे और कलछी की सहायता से दाल को अच्छी तरीके से घोट लेते हैं। तो दाल हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। अब मैंने एक तड़का पैन में 2 चम्मच देसी घी लिया है और इसमें डाल दिया है 1/2 टीस्पून जीरा, और जब जीरा तड़कने लगे तो इसमें 1 पिंच हींग मिला देते हैं। साथ ही इसमें मिलाएंगे 1 कली लहसुन की कटी हुई, 1 हरी मिर्च डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 प्याज छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, और अब हम प्याज को धीमी आंच पर हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। तो फ्लेम को एकदम धीमा कर देते हैं और इसको धीमी आंच पर ही हम फ्राई कर लेते हैं। इस तड़के में हम किसी भी मसाले का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल प्याज को लाल होने तक हम इसको तैयार कर लेते हैं और जैसे ही ये तड़का तैयार होता है इसको दाल में मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये हेल्दी दाल तैयार है। इस तरीके से अगर आप दाल बनाएंगे तो आपको गैस, बदहजमी, कब्ज जैसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हेल्दी होने के साथ साथ दाल की ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।